पूरा आ गया ये सावन के महीने वाला माल पूरा है ये। काव्या कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसको खाओ ना काव्या, खाया कभी आपने? माल पूरा खाया। अच्छा अच्छा होते हैं वहाँ पे। बारिश का मौसम है और चाय पी रहा हूँ। पैसे कब? कितनी सुंदर पिक्चर आ रही है आपकी। तो हेलो गाइस, जय माता दी, आप सबको क्या हाल है आप सबके। तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ शिवखोड़ी और आज है 15 अगस्त गाइस। तो 15 अगस्त वाले दिन मैं जा रहा हूँ शिवखोड़ी और सवारी लेके। तो मिलता हूँ आपको सवारी के संग, तब तक के लिए जय माता दी। मौसम है और चाय पी रहा हूँ। सामने देख रहे हो आप शिवखोड़ी वाला रास्ता है, सामने देख लो पहाड़ देख लो गाइस। ये भाई की दुकान है और भाई ऐसा है कि सवारी कब की मिल चुकी है मुझे। वो आपको पता है आजकल तो इजाज़त लेके ही वीडियो बनानी पड़ती है क्योंकि 100 परेशानी होती है बंदी। सही बात है। हाँ तो भैया हैं अपने साथ दिल्ली के हैं और पीछे भाभी जी हैं और काव्या है पीछे। हाँ तो काव्या ब्लॉगर इंस्टाग्राम हरीश नाम है भैया को। और शिवपुरी जा रहे हैं फिर से, जैसे कि परसों गया था मैं और आज फेरा लग रहा है मुझे। और पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में, आधा कवर कर लिया आधा रह गया है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल व्यू बहुत बढ़िया है, एंजॉय कर रहे हैं फुल बिल्कुल। तो भाभी जी आपको कैसा लग रहा है? नाम बताओ अपना। ईशा हरीश और ईशा। हाँ खाली ये लगाना पड़ता है हरीश के आगे, ये लगा दो दोनों नाम आ जाते हैं। चलो ठीक है भैया, मिलता हूँ आपको कोई आज के जगह आएगी तो मिलता हूँ आपको वहाँ पे जाके, तब तक के लिए। तो उसके बाद भाई हम खाना खाने रुके हैं बाबू राम के ढाबे में और बाबू राम काफी ज्यादा पेट बाहर निकाल के बैठा हुआ था और ये कर लिए थे और भैया खाना खाने बैठ चुके थे और मैं भी खाना खा रहा था। तो बारिश काफी ज्यादा लगी हुई थी और काफी देख लो भाई हो गया यहाँ पे हमारा खाना छाना और हम जा रहे हैं शिवखुड़ी की। और ये भैया बैठे हैं पीछे, हरीश भैया और अंशु भाभी हैं और काव्या छोटी है। तो भाई ये देख रहे हो आप सामने और यात्री बोल रहे हैं कि रुक जाओ यहीं पे लेंगे हम सेल्फी वगैरह। ये सामने देख लो पहाड़ियों को देख के बोल रहे हैं कि रुको भैया इधर फोटो शोटो को शूट करवा लें और फोटो खींचना पड़ेगा इनका। मैंने देखता हूँ ये गाड़ी लगी हुई है और सामने देख लो आप कैंड व्यू आ रहा है, कैंड व्यू आ रहा भाई। पैसे करो जैसे पहले बोला था ना मैंने। हाँ कितनी सुंदर जनाब पहुंच गए शिवखोड़ी और ये सामने बारिश का आप नज़ारा देख सकते हो और यात्री देख सकते हो सामने। आप रेनकोट डाल के जा रहे हैं क्योंकि बारिश है दोस्तों और बारिश में बड़ी समस्या रहती है। और भैया सामने रेनकोट पहन रहे हैं अपने भैया और ये सभी मतलब रेनकोट पहन के जाएंगे। मैं लड़कियों के चक्कर में ज़्यादा रहता हूँ। तो भाई खाना भी खाना था, कस्टमर बोल रहे थे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है भैया खाना खिला दो कहीं। तो मेरे को देखा जाए डोगरा हट और जहाँ पे लेके आ गया मैं उनको। चावल बोलो आप क्या खा रहे हैं? रोटी भी है, रोटी भी है, दाल भी है, मीठी मीठी सब्जी है, साग है, दही है। अरे भाई को लाया मैंने, बोला कि बड़ा फेमस है यहाँ का। भाई बोला चल तो कोई रेस्टोरेंट में भी रुक सकते थे लेकिन मेरी वजह से आए हैं भाई।
बोलते हैं चल भैया, अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आप मेरी वजह से आए हो इधर? हाँ जी, हाँ जी, आप मैंने आपको बोला कि हम चल पड़े हैं आपके साथ ही जाना था। मैं इनको कह भी रहा था कि जम्मू आपके साथ ही जाएंगे, बोल देना कोई बात नहीं। आपने कहा चलो मैं ही चलता हूँ। चलो मैं मालपुआ बना। पूरा आ गया ये सावन के महीने वाला मालपुआ है ये। काव्या कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसको खाओ ना काव्या, खाया कभी आपने मालपुआ? खा। अच्छा अच्छा, होते हैं वहाँ पे भी, मिलते हैं बनाते हैं। जैसी होना होता पूरा स्पेशल। भाई ने मक्की की रोटी के लिए यहाँ पे ब्रेक रुकवाई है और मक्की की रोटी खाएंगे बोल रहे हैं। और भैया अच्छी है ना मक्की की रोटी? हाँ ठीक है भैया, ओके। दोस्तों मैं जम्मू की ओर निकल पड़ा, आगे का कवर नहीं कर पाया, बैटरी लो थी फोन की। और मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय माता दी।